हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं देखिए आप लोग के लिए आया हूँ एक इम्पोर्टेंट प्राचीन भारत से एमसीक्यू, जो मुझे लगता है कि आपके आर ओ के एग्जाम में आ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 6 कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न लिखित में से किस वंश के शासकों यानी रूलर के विषय में जानने का सर्वप्रमुख स्रोत है, सिक्के हैं। यानी कि आप बताना है कि इन चारों में से वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा हमें जो इन्फॉर्मेशन है कॉइन्स से मिलती है। जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे, नीचे के कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का वर्णन करें। ठीक है, तो 10 सेकंड का टाइम लेंगे बच्चों आप लोग और मुझे बताएंगे कि इसमें से क्या आंसर हो सकता है, कि जिनके बारे में कॉइन्स में बहुत अच्छा लिखा होगा। आराम से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में वो जो जरूर बताइएगा मुझे कि आपके आउट ऑफ 6 कितने सही। पहले पहले उसमें चलिए, इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका, अगर हम देखें तो इंडो और इंडो आपके क्या यूनानी के बारे में हमें कॉइन से बहुत अच्छा लगता है, और इंडो सीथियन से। ये तीन ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कॉइन में बहुत ही अच्छा क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इसके हिसाब से जो इसका आंसर बच्चों बनेगा वो बनेगा 1, 2 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वितस्ता वितस्ता युद्ध या वितस्ता वॉर में पराजय के बाद किसके आग्रह पर पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण, ठीक है, आत्मसमर्पण किया था। किसने किया था? पोरस ने सिकंदर के सामने। तो बता रहा है इन चारों में से वो कौन था। ऑप्शन देख रहे हैं, आमी या पिथोन या मेरुस या छोटा पुरु। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने वाले आर ओ या लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस में। चलिए बच्चों, तो आप लोगों ने आंसर इसका सोच लिया होगा। बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका, मेरुस के कहने पर या आग्रह करने पर पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, इनमें से वो कौन चीनी यात्री था जिसने भीन माल की यात्रा की थी। पायान था, संगयून था, एनसांग था या इत्सिंग था। चलिए बच्चों, तो इसका जो आंसर है आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर जो है वो हेनसांग है। चौथा देखते हैं, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था यानी स्टडी की थी। तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा। इसमें तक्षशिला बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी और नालंदा भी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी रह चुकी है। चलिए बच्चों, आंसर जो है इसका वो है आपका नालंदा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों कॉटन के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। इन चारों में से आपको बताना है। यहाँ बड़ा अच्छा जो कॉटन है, सूती वस्त्र है, वो प्रसिद्ध था। ऑप्शन आप देख रहे हैं, बनारस, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची। चलिए आंसर आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे पढ़ते ही, तो बच्चों इसका जो आंसर है टिक करके आइएगा, मथुरा। सूती वस्त्रों के लिए बहुत ही फेमस था। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रुद्र दमन या रुद्र दामन, ये बहुत नाम आपने पढ़ा होगा प्राचीन भारत में पढ़ते पढ़ते। तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है। बड़ा अच्छी क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। ऑप्शन जैसे आप देख रहे हैं, प्राकृतिक भाषा में मराठी, प्राकृतिक भाषा में खरोष्ठी भाषा में या संस्कृत भाषा। तो आंसर सोचिए और बताइए मुझे क्या हो सकता है। चलिए, तो आंसर आपने सोच लिया होगा, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका संस्कृत भाषा। तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि मुझे आप लोग के 6 में से आप लोग के क्वेश्चन या जो आंसर है कितने राइट हुए।